इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं S23 अल्ट्रा के बारे में। इसकी कंप्लीट डिटेल दूंगा, यहाँ पर ये लॉन्च कब हो रहा है, पाकिस्तान इंडिया में कब लॉन्च हो रहा है, और साथ में क्या क्या स्पेसिफिकेशन आ रही हैं इस डिवाइस की। साथ में गीकबेंच भी इसके लीक होकर आ गए हैं, और अब ये भी कंफर्म होता हुआ नजर आ रहा है हमें कि स्नैपड्रैगन के ही प्रोसेसर इसमें 100% आने वाले हैं। किसी किस्म का एक्सिनस का वेरियंट नहीं होगा कहीं पर भी पूरी दुनिया में यहाँ पर स्नैपड्रैगन के ही प्रोसेसर आने वाले हैं, ठीक है। तो कम्प्लीट डिटेल के लिए आपने कम्प्लीट वीडियो वॉच कर लेनी, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के बारे में। देखिए 8 Gen 2 यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया है, और जहाँ तक बात कर लें 8 Gen 2 की, तो 8 Gen 2 में यहाँ पर हम सबसे पहले मैं इसका एक बहुत ही सिंपल सा फीचर बताता चलूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, हम सभी जानते हैं जो शटर स्पीड एप्पल की होती है उतनी सैमसंग की नहीं होती, ठीक है। सैमसंग का मोबाइल थोड़ा अटक जाता है, चाहे वो एस सीरीज का ही मोबाइल क्यों ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर इस दफा कहा जा रहा है कि 8 Gen 2 के अंदर S23 के कम्प्लीट S23 लाइनअप बहुत ज्यादा, मतलब उसकी बहुत ज्यादा फास्ट शटर स्पीड होने वाली, लेट्स सी कि कितनी फास्ट शटर स्पीड होती है, ओके। तो यहाँ पर कितना बहुत ज्यादा बड़ा फीचर तो नहीं, बट फिर भी जो लोग डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं उनके लिए काफी अच्छा फीचर हो जाएगा, ठीक है। जहां तक बात कर ले इसके बारे में कुछ मजीद के इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन आ रही, देखें सबसे पहले मैं आपको गीकबेंच दिखाता चलूँ उसके। ये गीकबेंच में इसके सिंगल कोर स्कोर है और मल्टी कोर स्कोर आप देख सकते हैं। माना के थोड़े से यहाँ पर एप्पल A16 चिप से थोड़े कम है, बट फिर भी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसका GPU पावरफुल होगा, मोर पावरफुल देन एप्पल A16 चिप। लेट्स सी कि कितना पावरफुल होता है, साथ में एनर्जी एफिशिएंट कितना होता है। अगर एनर्जी एफिशिएंसी की बात हुई है यहाँ पर, तो मैं जरा इसकी परफॉर्मेंस के हवाले से बताता चलूँ। देखें यहाँ पर यह बताया जा रहा है इसके प्रीडिसेसर के मुकाबले, मीन्स के स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के मुकाबले में 25% पावर ज्यादा हमें देखने को मिलेगी, और साथ में हमें एनर्जी एफिशिएंसी में 45% बूस्ट देखने को मिलेगा। 45% ये बहुत बड़ा क्लेम है कंपनी का कि 45% ऑलमोस्ट डबल हमें एनर्जी एफिशिएंसी में परफॉर्मेंस मिलेगी, मींस के बैटरी लाइफ डबल हो जाएगी। लेट्स सी कितनी बैटरी लाइफ डबल होती है हमें इस डिवाइस के अंदर। जहां तक बात कर ले इसमें 200 MP का यहाँ पर सेंसर सपोर्ट करने वाला है, और साथ में ये 8K वीडियो भी बना लेगा एट 60 FPS, 8K वीडियो HDR में, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो सैमसंग का लेटेस्ट 200 MP का सेंसर है 1 इंच वाला, ये इसके बारे में डिटेल में पहले वीडियो बना चुका हूँ, बट यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाला है स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 के अंदर। और जहाँ तक बात कर लें ये देख सकते हैं यहाँ पर आइस यूनिवर्स ने एक ट्वीट किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका ये कहना है कि S23 लाइनअप में कंप्लीट कंफर्म हो चुका है कि 8 Gen 2 आ रहा है प्रोसेसर, और साथ में यहाँ पर ये कहा जा रहा है इसका हाई फ्रिक्वेंसी यहाँ पर वर्जन भी आएगा इसका एक्सक्लूसिव टू सैमसंग, ठीक है। सैमसंग के लिए एक्सक्लूसिव वर्जन यहाँ पर 8 Gen 2 का आने वाला है। लेट्स सी के एक्सक्लूसिव वर्जन में यहाँ पर कितना ग्राफिकल बूस्ट देखने को मिलना है, साथ में हम परफॉर्मेंस कैसी मिलेगी, क्योंकि परफॉर्मेंस एंड ऑफ द डे परफॉर्मेंस ही मैटर करती है, और एप्पल के मोबाइल यहाँ पर एप्पल के मोबाइल को कोई बीट नहीं कर सकता यहाँ पर, खासकर बैटरी ड्रेन टेस्ट में, ठीक है ना। और जहाँ तक बात कर लें यहाँ पर आईफोन 14 और S22 अल्ट्रा की यहाँ पर बैटरी कंपैरिजन की, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीछे है S22 अल्ट्रा कंपेयर टू यहाँ पर जो एप्पल का लेटेस्ट फ्लैगशिप चल रहे हैं यहाँ पर कौन सा मोबाइल है, आईफोन 14 प्रो मैक्स, ठीक है। तो आईफोन 14 प्रो मैक्स से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लॉस हो रहा है यहाँ पर S22 अल्ट्रा का। लेट्स सी के कितना यहाँ पर हमें एनर्जी एफिशिएंसी में बूस्ट मिलता है। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी आपको बताता चलूँ, देखें यहाँ पर इस दफ़ा UFS 3.1 नहीं आएगी, 4.0 आएगी कहा जा रहा है कि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा हमें बूस्ट देखने को मिलने वाला, मीन्स के परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। और जहाँ तक बात कर लें इस दफ़ा यहाँ पर सैमसंग की लेटेस्ट रैम आने वाली LPDDR5X रैम, जिसमें यहाँ पर स्पीड भी देख सकते हैं 8.5 GB/s, तो यहाँ पर ये इसकी स्पीड होने वाली है। लेट्स सी की कि रैम कितना अच्छा परफॉर्मेंस आती है, रैम से स्टोरेज से कितनी अच्छी परफॉर्मेंस आती है, और यहाँ पर कैमरास कितने अच्छे इंट्रोड्यूस करता है सैमसंग, और साथ में यहाँ पर इसके अंदर प्रोसेसर कितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें यहाँ पर परफॉर्मेंस ही चाहिए एक फ्लैगशिप डिवाइस से।
तो यहाँ पर कंप्लीट डिटेल दे दी मैंने आपको इसकी रिलीज डेट के हवाले से कि कब रिलीज क्यों, सॉरी रिलीज डेट नहीं मैंने बताई, रिलीज डेट बताता हूँ। देखें यहाँ पर रिलीज डेट के बारे में बात करते चले तो रिलीज डेट यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अगले आने वाले 3 महीने में रिलीज कर दिया जाएगा, मीन्स के फरवरी के अंदर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इसके प्री ऑर्डर स्टार्ट हो जाएंगे। और जहां तक बात करें इंडिया की, तो इंडिया में भी कहा जा रहा है जनवरी के एंड में या फरवरी में हो जाएंगे स्टार्ट। इसके मुतालिक जैसी कोई एग्जैक्ट डेट कन्फर्म होती है मैं वीडियो बनाकर अपडेट कर दूंगा। मेक श्योर तब तक के लिए आपने चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर लाजमी सब्सक्राइब कर ले मजीद अपडेट रहने के लिए। वीडियो के मुताबिक कोई सवाल रह गया हो तो मुझे कमेंट्स कर पूछ रहे, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।